अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस टाइम बागे जिन्ना में मौजूद हूँ। मेरे साथ ही एक छोटी उम्र की बहन है, इसके साथ कुछ अर्सा पहले ज़्यादती हुई थी। इनका जो शोहर था इनके साथ ज़्यादती करता रहा और दोस्तों के हाँ इनके साथ ज़्यादती करवाता रहा। चार चार दोस्त थे, दिन रात जो है इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता रहा। अभी पूछती हैं बहन से, बहन ने ये देखें दरख्वास्तें भी दी हैं कोर्ट लखपत थाना में, लेकिन इस बहन की कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वालों ने कोई इनकी हेल्प नहीं की, थाने वालों ने कोई इनकी हेल्प नहीं की। अभी पूछते हैं बहन से कि कैसे ये ज़्यादती हुई है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। मेरी बहन मुझे ये बताएं कैसे वो आपके साथ उसने आपका जो शोहर है ज़्यादती करवाई है, कितना अर्सा ज़्यादती करवाई है? 6 माह। अच्छा मुझे ये बताएं आपका रिश्ता कैसे हुआ था? मुलाकात हुई थी इससे, बातचीत हुई। अच्छा, तो बस उसने नंबर दिया, बातचीत होना शुरू हो गई। उसके बाद से मिलने के लिए बेटा थोड़ा सा जोर से बोले उसके लिए, उसके बाद से मुझे मिलने के लिए बुलाया। अच्छा, उससे मिलने गई, उस दिन तो कुछ ना हुआ था। अगले दिन मेरी मंगनी होगी, मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी कर दी। तो इसने बोला तुम्हारी शादी हो रही है, एक दफ़ा तुम उससे मिल लो, एक दफ़ा मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं उसके घर गई, इसने पानी शानी पिलाया, उसमें कुछ चीज़ मिली हुई थी। अच्छा, उसके बाद वो मुझे होश ना आया कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। उसने बगैर कपड़ों की मेरी वीडियो बना ली, पिक्चर बना ली, उसके लिए मुझे ब्लैकमेल करता रहा। अब भी मेरे से शादी नहीं करोगी। अच्छा, अब भी मेरे से शादी नहीं करोगी। वो चाहता था घर से भाग के शादी करे, इसे झूठा निकाह करूँ, इसे यूजफुल लड़की करूँ। अच्छा, इसे गैर मर्दों के सामने भेजूँ, बाद में जब मेरा फ़ायदा पूरा हो जाए उसको मैं तलाक दे दूँ। अच्छा, उसके बाद मेरे मंगेतर ने भी मेरे से ज़्यादती की, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। जब मेरे मंगेतर ने मेरे से ज़्यादती की, इसने बोला कि अब तुम उसके ऊपर केस करो, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं किसी घर में काम करती थी, तो वहाँ से कि मुझे बुलाफ ला के एक दफ्तर में ले गया। वहाँ जाके कुछ कागजात पे अंगूठा साइन जारी करवाए। अच्छा, मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं, मुझे नहीं पता निकाहनामा कैसा होता है। अच्छा, तो कुछ कागजात उसके ऊपर अंगूठा साइन जारी करवाए, मुझे बोले तुम्हारा मेरा निकाह हो गया। अच्छा, बाद फिर घर ले गया एक आदमी को, घर मेरे पास छोड़ दिया। अच्छा, एक आदमी को। हाँ, मैं जोर से चीखी चलाई तो मैंने कहा कि ये कौन है, मैं इसको नहीं जानती। अच्छा, बाहर आवाम इकट्ठी होगी तो शोर मचा के इस घर में कौन है जो इस तरह हो रहा है। तो वो इसने उसके आदमी को मेरे ऊपर छोड़ दिया, ऊपर से उसने पिस्टल का मुझे धमकी लगाई, मारने की धमकी लगाई। अब तो मैं मार भी दूंगी, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उस आदमी ने मेरे से ज्यादती की, गलत काम किया जी। हाय हाय हाय, नाज़रीन सुन सकते हैं कि इस बहन के साथ जो मजाजी खुदा है, शोहर है, उसने एक आदमी को छोड़ दिया था पहली रात ही कि आप इसके साथ गलत काम करो, इसके साथ ज़्यादती करो, इससे ज़रा करो। उसके बाद हर रोज़ आदमी आते थे, हर रोज़ आदमी आते थे। एक दिन मुझे सुकून का नहीं, उन्होंने जीने दिया। इसके घर वालों से, इसकी माँ बाप से, इसकी बहन से डरी कि मुझे इनसे जो है ना, इनको बोलो मेरे साथ ऐसा ना किया करें, इनको बोलो मेरे साथ ऐसा ना। लेकिन ये कहते थे हमारे घर का कारोबार है, हमारा घर नहीं चलेगा, हम भूखे मरेंगे। अच्छा, कितने कितने आदमी आते थे आपके पास ये बताएं? चार आदमी आते थे। अच्छा, चार चार आदमी, यानी कि डेली बेस पे चार चार आदमी आपके साथ जो है ज्यादती करते थे, गलत काम करते थे। नाज़रीन सुन सकते हैं। अच्छा, 27वीं रात से घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अच्छा, जब उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरा घर काने 27वीं रात या 27वीं रमजान की रात थी। अच्छा, रमजान की जी। होए होए होए, तो रमजान अल मुबारक में अस्तगफुर जी। मुझे धक्के मार कर, तेरा मेरा कोई निकाह ना हुआ था, मुझे निकाह की बात भी धोखे में रख के मेरे साथ खुद भी ज्यादती करता रहा, गैर मर्दों से भी ज्यादती करवाता रहा। उसके बाद मैं हमला थी 4 माह 15 दिन की, वो मेरा बच्चा भी जाया कर दिया। अच्छा, इन्होंने जो है वो सफाई करवा दी है जी। मैं फिर भी इसके साथ अपना घर बसाने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ घर ना बसाया। और उसके बाद अब मेरी तमाम जो भी ये मुझे देख रहे हैं, मेरी व्यूवर्स देख रही है, जो भी मुझे ऑडियंस देख रही है, मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि वो कमेंट में ये लिखें कि इसको कड़ी सजा मिले। और अगर कोई प्रोफेसर, कोई वकील, कोई कुछ भी देख रहा है मुझे, कोई भी सम जज सुन रहा, तो अगर आप इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो मैं इसके ऊपर धरना दूंगी। जब सीधी बात है, मैं सारी मीडिया लेकर इकट्ठी खुदकुशी भी करूंगी, और इनको मैं जो है ना सारी पुलिस वालों को और जज को सबको सबक सिखा के खुदकुशी करूंगी। अच्छा, ये बताएं आप थाने में गई हैं, थाने वालों ने आपकी बात नहीं की, हेल्प नहीं की? नहीं जी, थाने वाले भी कहते हैं साढ़े ना रात गुजारो फिर तो हल्का। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन सुने, ज़रा बहन के अल्फाज सुने, ये हमारी पुलिस की, पुलिस का हाल है, जिनको हम मुहाफ़िज़ कहते हैं, जिनको हम मुहाफ़िज़ कहते हैं, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि पुलिस के हाल सुना। टिकटॉक में से बड़े लोगों को लाइक करते हैं, यूट्यूब पे लाइक करते हैं, गानों को करते हैं, ठीक है। आज इसको लाइक करें ना, हम देखते हैं कितने लोग देखते हैं। नाजरीन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि इस बहन को इंसाफ मिल सके,
इसको अदलिया भी इंसाफ दे, इसको पुलिस भी इनके साथ हेल्प करे, इनके साथ मुख्तलिफ इदारे जो है हेल्प करें। ठीक, ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बहन है, ये भी पाकिस्तान ये किसी का सास ना। आज वजीर आजम की बेटी के साथ हुआ होता ना तो फिर देना इधर के ये सारी सड़कें ब्लॉक हो जाने थे, सारे रास्ते ब्लॉक हो जाने थे कि भाई मेरी बेटी के साथ ज्यादती हो गई। ऐसा ही अगर किसी कानून नाफज करने वाले इदारे की बेटी के साथ ज्यादती होती, उसके साथ अगर कोई जुल्म होता तो वो तो मैं कहता हूँ क्या से क्या कर दिखाता। तो ये भी गरीब की बेटी है, इसके साथ अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। तो इन्हीं जुमलों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।